यदि अपना दशमांश ईमानदारी से दे रहे हैं और आपको लगता है कि बहुत से सेवक हैं जो अपनी शराब बीड़ी सिगरेट में अयाशी में या अपनी और किसी चीज़ में या फालतू बातों में फालतू चीज़ों में उड़ा देते हैं लगा देते हैं, ठीक है, आप मत दीजिए ऐसों को। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। आज हम बात करेंगे दशवां अंश के विषय में कि दशवां अंश क्या है, दशवांश देना चाहिए नहीं देना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि दशवांश नहीं देना चाहिए, प्रभु मन को देखने वाला है, प्रभु ये देखने वाला है, परंतु ये जो फिलॉसफी हम लोग दिखाते हैं ना, ये नहीं होनी चाहिए। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या है। इस दशवांश के विषय में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और इससे पहले कि हम कुछ बात करें दशवांश के विषय में, हम एक सवाल जो है वो हमें ध्यान में रखना है कि हम वो सवाल क्या है दशवांश के विषय में जो किए जाते हैं उनको ध्यान करना है कि दशवांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इस सवाल का उत्तर हम दें, इससे पहले उस उत्तर को जाने हम एक पद को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 35 पद है। मैं पूरा पद पढ़ रहा हूं परंतु इसका मेन जो लाइन है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। ठीक है, वो कहता है, पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया, अपना पूरा परिश्रम तुम्हें दिखाया, मगर वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के जो वचन है उसको स्मरण करने का मतलब होता है कि याद रखना, उसको हमेशा याद रखना। और वो क्या कहता है कि क्या याद रखना, कि लेने से देना धन्य है। धन्य कौन बनता है? जब हम देते हैं। देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि प्रभु को पैसे की क्या आवश्यकता है, प्रभु को देने की क्या आवश्यकता, वो तो खुद हमें देता है, वो तो हमें, ठीक है, वो सब कुछ ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात। परंतु जो नियम परमेश्वर के वचन में ठहराए गए हैं, जो नियम परमेश्वर ने बनाए हैं, उसको तो पूरा करना। जैसे अभी हमने पढ़ा कि पौलुस क्या कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन को याद रखें, कि वो क्या कहता है कि लेने से देना धन्य है। जब लेने से देना धन्य है तो इसको हम बताएं। आप जानते हैं पौलुस जो है एक गवाही देता है, एक बहुत बड़ी गवाही देता है मक्की दुनिया की उदारता के विषय में, जो है पौलुस गवाही देता है। और इस गवाही को जरा ध्यान से सुने। बहुत से लोग कहते हैं कि हम इतने परेशान हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारी तनख्वाह इतनी नहीं है, हम लेबर क्लास हैं, रोज कमाना रोज वो खाना, तो इसका मतलब क्या है? अगर ये सारी चीजें हम काउंट करते हैं या अपने जीवन के आसपास देखते हैं तो इसका मतलब है कि हमें हमारे प्रभु पर भरोसा नहीं है। हम अपने प्रभु पर संदेह करते हैं कि वो जो है वो हमारी सुधि नहीं लेगा। उसने जो नियम ठहराए अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो वो ब्लेसिंग्स जो है वो हमें नहीं देगा। अब मक्की दुनिया की बात कर रहे हैं, दूसरा कुरंथियों 8:1-4 पद तक। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मक्की दुनिया की कलीसिया पर हुआ, कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी भार मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। अब देखिए यहां क्या है, मक्की दुनिया की कलीसिया के लोग बहुत मतलब कंगाल लोग थे, वो कंगालपन से घिरे हुए थे, मगर बहुत कलेश में जीवन जी रहे थे, भारी कलेश में भी भारी कंगालपन में भी उन्होंने बड़ी उदारता से जो है प्रभु की सेवकाई के लिए, प्रभु के सेवा सेवकों के लिए, प्रभु के काम के लिए उन्होंने दिया। अब पौलुस इतनी बड़ी गवाही जो है
वो इस बात को दे रहा है कि परमेश्वर जो है कैसा है। वो कहता है पौलुस ना कि पौलुस परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार दे रहा है जो मक्की दुनिया की कलीसिया पर हुआ। देखिए उस मक्की दुनिया की कलीसिया पे कि उन्होंने जो था परमेश्वर का वचन कहता है कि मन से दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सामर्थ्य से बाहर, अपनी ताकत से बाहर मन से दिया उन्होंने, कि उनकी ताकत इतना देने की नहीं थी मगर तब भी उन्होंने दिया। परमेश्वर का वो कहता ना पौलुस कि परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देता जो मक्की दुनिया पर हुआ, इसलिए मक्की दुनिया पर हुआ क्योंकि उन्होंने उद्धारता से दिया, कुड़कुड़ के नहीं दिया, यह है वह। उन्होंने अपने कंगालपन को नहीं देखा, उन्होंने अपनी मजबूरियों को नहीं देखा, उन्होंने अपनी मजबूरियों को नहीं गिनाया, उन्होंने अपने कलेश को नहीं गिनाया, उन्होंने अपने कंगालपन को नहीं गिनाया और परमेश्वर ने जो है उन्होंने परमेश्वर के काम के लिए उनको दिया और तभी उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। ये अनुग्रह कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसलिए इस बात को हम अच्छे से समझ जाए कि कैसे परमेश्वर ने हमें मक्की दुनिया के लोगों को ब्लेसिंग दी है। आपके देने पर प्रभु यीशु मसीह की जो दृष्टि है वो लगी रहती है। जी हाँ, जब हम देते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि जो है वो हमारे बढ़े हुए हाथ पर या हमारे देने पर जो है वो लगी रहती है। मैं पढ़ना चाहूंगा मरकुस 12 अध्याय उसका 41 से 44 पद तक जरा ध्यान दीजिएगा। वे मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसा डालते हैं और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर दो दमड़ी जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन जो है वो इस बात को बता रहा है कि आप जो दे रहे हैं भले मन से, परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि आपके देने पर है और वो देख रहा है कि आप किस मनसा से दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं और जैसा आप देते हैं वैसा आपको ब्लेसिंग्स होती है। और ये जो विधवा स्त्री है, अब देखिए एक विधवा है, इसके अर्निंग के साधन नहीं है, कुछ नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि जो है हर एक दान देने वाले पर है। लोग दिखा दिखा के दे रहे हैं, हमने तो इतना दिया, हमने तो उतना दिया। जो पैसे वाले होते हैं, जो धनवान होते हैं, बहुत सी कलीसियाओं में मैंने देखा जो बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं, जो उस पादरी को या चर्च को सपोर्ट करते हैं वो चर्च के पिलर कहलाए जाते हैं, परंतु जो गरीब लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत दे रहे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं, ये चीज ठीक नहीं है। मगर प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि किस पर है, प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि उस विधवा पर है। और उसने अपने चेलों को बुलाया, उसने कहा इस विधवा ने सबसे बढ़कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी घटी में से दिया है, इसने अपनी सारी जीविका दे दी, जो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी आज के समय में इन पैसों की वो इसने दे दी। सोचिए प्रभु की दृष्टि जो है, जो बहुत दे रहे हैं, हजारों दे रहे हैं, लाखों दे रहे हैं, उनके ऊपर नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी दे रहे हैं ना और सही माने में जो परमेश्वर के वचन के अनुसार दे रहे हैं तो प्रभु आपके बड़े हुए हाथ पर प्रभु की दृष्टि है और प्रभु जो है उस बड़े हुए हाथ पर जो आपके प्रभु की दृष्टि है अपने हाथ को बढ़ाता है और वो ब्लेसिंग्स जो है वो परमेश्वर देता है। फिर यहां लिखा हुआ है जब आप मत्ती 22 अध्याय 15 से 22 तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि केसर को जो है वो कर देना ठीक है या नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूं मगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब 19 से 21 तक पढ़ेंगे तो क्या लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह से जब ये पूछा गया केसर को कर देना ठीक है या नहीं है, अब इन बात को जरा समझिएगा। उसने कहा एक सिक्का मेरे पास ला। उसके पास सिक्का लाया गया, बोले इस सिक्के के ऊपर किसकी मूर्ति बनी है, बोले केसर की। तो वो सिक्का लौटाते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो केसर का है वो केसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को। देखो यहां पर एक बात समझने की बात है, केसर का मतलब क्या है, वो राजा था उस समय और टैक्स वगैरह जो है सरकार लेती है। आज भी हमारी सरकार जो जिसने टैक्स देना चाहिए, इनकम टैक्स वगैरह जो है वो ईमानदारी से देना चाहिए, जो सरकार का है वो सरकार को देना चाहिए परंतु जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना चाहिए। मगर हम लोग बहुत से लोग करते क्या है, सरकार से तो बहुत से लोग सरकार से तो डर के मारे टैक्स दे देते हैं
परंतु परमेश्वर से को नहीं देते, क्योंकि परमेश्वर से डरते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कुछ कर नहीं रहा है। क्योंकि इनकम टैक्स वाले आएंगे हमारे घर में धावा बोल देंगे और सब लेकर चले जाएंगे, परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं करता। मगर सरकार का डर है, डर के मारे दे रहे हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए, क्योंकि वो और कामों में पैसा लगता है। परंतु जो परमेश्वर का है, परमेश्वर से भी डर कर जो है वो देना चाहिए ईमानदारी से। आज नहीं तो कल इसका न्याय होगा और इसका पलटा परमेश्वर ले लेगा, आपको इसका दंड भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो है परमेश्वर कहता है, यहां पर जो सवाल है, प्रभु को धन की या पैसे की क्या जरूरत है? प्रभु को धन की या पैसे की कोई जरूरत नहीं, परंतु उसने दशमांश और दान के नियम क्यों ठहराए हैं? सवाल ही उठता है, उसने दशमांश और दान के जो नियम ठहराए वो जानते क्यों ठहराए? जो फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जो नौकरी नहीं करते और 24 घंटे आपको परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, उनके अर्निंग के साधन कहीं से नहीं है, उनकी कमाई कहीं से नहीं है, परमेश्वर ने उनके लिए जो है लिखा ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सुसमाचार की सेवकाई करता है वो सुसमाचार की सेवकाई में से खाने पाएगा। कौन देगा? जो सुन रहा है, जो उन नियमों को सुन रहा है, जो उन वचनों को सुन रहा है, परमेश्वर कह रहा है उनसे जो है। और इसलिए जब दशमांश की बात होती है कि ये लेवियों का जो था ये भाग था, परमेश्वर ने ठहराया। क्यों? लेवियों को कोई खेती बाड़ी करने की जमीन नहीं दी गई थी, उनको सिर्फ अपने भवन के, अपने पवित्र मंदिर की सेवकाई सौंपी गई थी कि 24 घंटे वो करे। आप जब अर्निंग नहीं है उनके पास, जब कोई कमाई का साधन नहीं है तो कहां से? तो परमेश्वर ने अपने भवन में से उनके कमाई का साधन बनाया था कि ये मेरे भवन की सेवकाई करते हैं तो मेरे भवन की सेवकाई में से खाने पाएंगे। इसलिए सारे दशमांश का नियम जो है उसने वहां पर ठहराया है। अब यहां पर जो है गिनती 18 अध्याय 21 से 24 तक आप खुद इन पदों को पढ़ लीजिए कि वहां पर जो थे इजरायली जो थे वो सॉरी लेवी जो थे वो इजरायलियों के साथ गिने नहीं जाते, दिन रात जो थे वो मंदिर की सेवा करते थे। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जो लेवी है वो मेरा निज भाग है, और जो दशवां अंश है वो दशवां अंश लेवियों का निज भाग हुआ करता। और ये बात आज भी है। आज की क्या आज सेवकाई बंद हो गई? बहुत से सेवक हैं जो 24 घंटे सेवकाई कर रहे हैं, कहीं कोई नौकरी नहीं करते हैं, वो कहां से कमाएंगे, कहां से खाएंगे? आप जो प्रभु ने जो दशमांश की विधि ठहराई है वो दशवां अंश से खाएंगे। दशमांश कौन देगा? आप देंगे। और परमेश्वर का वचन जो है वो इस बात को कहता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज प्रॉब्लम पता कहां है? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि प्रॉब्लम जो होती है, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं हागी की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसका 9 और 10 पद। जरा ध्यान से सुनिएगा यहां परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कह रहा है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया, और सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजाना दोनों बंद है। देखिए यहां पर क्या है, यहां क्या कह रहा है कि आपने कमाई करी, बहुत कमाई करी और उस कमाई को आप लिया है, मगर परमेश्वर कहता है कि मैंने उस कमाई को उड़ा दिया, कहीं कर्जे में चली गई, कहीं बीमारी में चली गई, कहीं कहीं किसी दुख मुसीबत में चली गई, कहीं कहीं गिर गई, या किसी ने लूट लिया, या खामा खा में पैसा बर्बाद हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरा भवन उजाड़ पड़ा। मेरा भवन उजाड़ पड़ने का मतलब क्या है कि मेरे भवन के अंदर वो दशवां अंश जो है वो नहीं आता है, वो पैसे, वो दान ऑफरिंग उस तरीके से नहीं आती जिससे जो मेरे सेवक हैं, जो 24 घंटे मेरी सेवकाई में लगे रहते हैं, सुसमाचार को सुनाने में लगे रहते हैं, उनके पास जो है वो उनके परिवार में और उनके जीवन में खाने पीने की कमी है, वो नहीं मिल पा रही है। और इसलिए मेरा भवन जो उजाड़ पड़ा, मेरे भवन का मतलब मेरे भवन में जो सेवा करने वाले लोग हैं उनका और उनका परिवार जो है वो उजाड़ पड़ा, भूखे प्यासे हैं, उनका पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपने वो दशमांश, उनका हक जो है, उनका जो हक है वो मार लिया है। मगर यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आप यदि अपना दशमांश ईमानदारी से दे रहे हैं और आपको लगता है कि बहुत से सेवक हैं जो अपने शराब, बीड़ी, सिगरेट में, अयाशी में, या अपनी और किसी चीज में, या फालतू बातों में, फालतू चीजों में उड़ा देते हैं, लगा देते हैं, ठीक है, आप मत दीजिए ऐसों को,
मगर जो सेवक दूसरा है आप उनको देखिए, अगर वो सही में सेवकाई कर रहे हैं और प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं तो आप उनको दीजिए, मगर अपना दशमान जरूर दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ऐसे सेवकों को दीजिए जो उस कमाई को जो है परमेश्वर की उस पवित्र कमाई को, क्योंकि जब आप दशमान देते हैं तो वो पवित्र हो जाती है और वो पवित्र कमाई को छेद वाली थैली में डाल रहे हैं, या उनके परिवार के लोग डाल रहे हैं, या उनके बीवी बच्चे डाल रहे हैं, अपने सिंगार में लगाए हुए हैं, अपने घूमने फिरने में लगाए हुए हैं, उससे ये भी गलत है। वो सिर्फ पालन पोषण के लिए, आपकी सुख सुविधाओं के लिए, सुख सुविधाओं का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप ऐसों को मत दीजिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या क्या दीजिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्यों आपकी कमाई उड़ा दी गई, कारण क्या होता है। मलाकी 3 अध्याय उसका 8 और 9 पद यहां लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है, पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है, दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है, सब जातियों के लिए यह नियम था, सब जाति के लोग जो है परमेश्वर को लूट रहे हैं। उसका दशमांश और उठाने की यानी और अदर्स जो ऑफरिंग होती है उनके बारे में है, उठाने की भेंट का मतलब दूसरी ऑफरिंग जो है वो नहीं दे रहे हैं, और कह रहा है कि भारी श्राप पड़ा है इस कारण। जब हग्गे 1 और उसका 10 पद पढ़ेंगे कि आकाश से ओस गिरना, यानी आकाश से ओस गिरने का मतलब है यानी स्वर्गीय आशीष बंद हो चुकी है, पृथ्वी से अन्न उपजाने, यानी पृथ्वी से अन्न उपजाने का मतलब है कि पृथ्वी की भी आशीष जो है वो बंद हो चुकी है। आप देख लीजिए पृथ्वी पर अन्न उपजाना जो है वो कहां हो पा रहा है, आज पृथ्वी पर जो है अन्न कहां से उपज रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये दशमांश का अभी पहला भाग है जो हमने सुना है, अभी और देखेंगे कि दशमांश क्यों जरूरी है। दशमांश उन सेवकों के परिवार का पालन पोषण होता है जो कहीं नौकरी चाकरी नहीं कर रहे, किसी स्कूल में नहीं कर रहे, कहीं पर भी नहीं कर रहे, तो वो उनका हक है, उनका हक मत मारिए, उनके परिवार का हक मत मारिए और वो उनको दीजिए ताकि प्रभु की आशीष आपको मिले। आप उस श्राप से, क्योंकि सारे श्राप से प्रभु ने मुक्त कर दिया, तो ये दशमांश का श्राप अपने ऊपर लेकर क्यों जीवन हम जी रहे हैं। जो प्रभु का है वो प्रभु को दीजिए और जो सरकार का है वो सरकार को दीजिए, फिर देखिए प्रभु की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में होती। प्रभु आप सबको आशीष दे।